अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सा चिकन करी, बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया 1 kg। उसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी 1 tablespoon, नमक शामिल करूँगी मैं इसमें 1/2 teaspoon, हल्दी के शामिल करूँगी मैं इसमें 1/2 teaspoon, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी 1 teaspoon। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। और इसकी अच्छी तरीके से मैरिनेशन कर दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको आधे घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं, आधा घंटा भी रख सकते हैं। इसकी हम मैरिनेशन कर लेंगे अच्छी तरीके से, सारा मसाला लग जाए सारी चिकन पे, पूरी चिकन पे। उसके बाद हम इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये देखें, मैं इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, उसमें तकरीबन मैंने 4 से 5 अदद आलू ले लिए थे, उनको फ्राई कर लूँगी। जब तक ये पतली सी लेयर आ जाएगी गोल्डन कलर की आलूओं के ऊपर, तब तक मैं फ्राई करूँगी आलूओं को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये फ्राई हो जाए अच्छी तरीके से, ये देखें अच्छी तरीके से गोल्डन सी एक लेयर आ गई है हमारे आलूओं पे। अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में। इस तरीके से सारे प्लेट में हम आलू निकाल लेंगे अपने। और अब सेम तेल में मैंने क्या किया है, यहाँ पे तकरीबन ऑयल ले लिया है 2 से 3 tablespoon। उसे मैं 3 अदद प्याज लूँगी, उसको फ्राई कर लूँगी। ये देखें, अच्छा हम पूरा फ्राई नहीं करेंगे इसको, गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, पिंक कलर जो आता है थोड़ा सा पिंकिश कर देंगे अपनी प्याज को। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे 4 अदद मोटी कटी हुई। इसमें बादाम शामिल कर रही हूँ 10 से 12 अदद, और टमाटर शामिल करूँगी मैं इसमें तकरीबन 2 medium size के टमाटर मैंने काट के शामिल कर दिए हैं। अब इन सबको अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊँगी, जब तक कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा पानी भी सूख जाए। इन सब चीज़ों को फ्राई करूँगी 3 से 4 मिनट तक के लिए। आप चाहें तो बादाम स्किप कर सकते हैं, बादाम की जगह आप वो डाल सकते हैं, कैश्यू नट्स डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बादाम इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट बाद हम क्या करेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे ग्राइंडर में डाल के, इसको पेस्ट बना लेंगे जब ये ठंडा हो जाए। उसके बाद जब हमने उसका पेस्ट बना लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने फिर से ऑयल ले लिया 1/2 कप के करीब। उसमें मैं क्या करूँगी, तेज़पत्ता डाला है मैंने 1 अदद, 3 से 4 मैं इसमें हरी इलायची डाल रही हूँ, और लौंग के 2 से 3 अदद मैं लौंग भी शामिल करी है इसमें। हल्का से 1 से 2 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 2 tablespoon, 2 tablespoon मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अब हल्की सी भुनाई करूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट की। अब मैं इसमें अपनी मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी, 1/2 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हम इसको अच्छी तरीके से अदरक लहसुन और तेल में पका लेंगे चिकन को अपने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए। इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे, ये देखें कुछ इस तरीके से मैं इसको अच्छी तरीके से पका लूँगी। छः से सात मिनट हो चुके हैं यहाँ पे चिकन को पकते हुए। अब जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, ग्राइंड करते टाइम मैंने कोई भी पानी उसमें शामिल नहीं किया था, आप भी कोशिश करें कि कोई भी पानी ना शामिल करें एक्स्ट्रा। ये चिकन अपने पानी में ही हम इसको पका लेंगे, टोटल जो पकना है हमारी चिकन को, तो ग्राइंड करते हुए कोई भी पानी हम शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने इसकी भी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है मसाले की, जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था। उसके बाद मैं क्या करूँगी, धनिया पाउडर शामिल करूँगी इसमें 2 teaspoon, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी इसमें 1 teaspoon, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी 1/2 teaspoon, गरम मसाला शामिल करूँगी 1/2 teaspoon, कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करूँगी इसमें 1 teaspoon, हल्दी शामिल करूँगी 1/4 teaspoon, ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी 1/2 teaspoon, और मैंने यहाँ पे नमक लिया है 1 teaspoon। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अच्छी तरीके से मसाले और चिकन की भुनाई कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे दही शामिल कर रही हूँ 1/2 कप के करीब। अच्छी तरीके से मैंने दही को फेंट लिया था, अब वो शामिल करूँगी इसमें। दही हम चूल्हा बंद करके या स्लो करके शामिल करेंगे, वरना फट जाएगी दही हमारी, सही है। उसके बाद हम अच्छे तरीके से इन सब की भुनाई कर लेंगे, दही मसाले और चिकन की अच्छी तरीके से भून लेंगे 7 से 8 मिनट तक।
इसकी मैं भुनाई करूँगी कंटिन्यूसली। देखें भुनाई करने के बाद हमारा जो ऑयल है वो भी ऊपर आ चुका है, तरी ऊपर आ चुकी है। देखिए कुछ इस तरीके से शक्ल भी हमारी चिकन की अच्छी सी बनके तैयार हो चुकी है करी की। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी शामिल करेंगे जितनी भी ज़रूरत हो। मैं तकरीबन यहाँ पे 1 से 1.5 कप के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। उसके बाद 1 से 2 मिनट हम जोश जलाएंगे पानी में कि हल्का हल्का बॉयल आ जाए। उसके बाद ढक के हम चिकन गलने तक पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट या जितनी देर में आपकी चिकन गल जाए। उसके बाद देखें यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं हमारी चिकन गलते हुए। ये देखें अब चिकन भी अच्छी खासी गल चुकी है। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। आलू शामिल करने के बाद मैं हल्का सा इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको ढक के तकरीबन 5 से 10 मिनट दम दे दूँगी। अब हमारे मज़ेदार से चिकन करी तैयार है और इसको बघारे चावल के साथ सर्व करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।